नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोया के BYM1 माइक्रोफोन के बारे में। दोस्तों ये है बोया का BYM1 बॉक्स, ये इस प्रकार से दिखता है दोस्तों, जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों ये जो माइक्रोफोन है कुछ इस प्रकार से दिखता है, बोया का BYM1, इसकी बॉक्स में हम कुछ ऐसा देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या लिखा है इसको हम थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है दोस्तों। अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों, इसको हम यहाँ से खोलेंगे। यहाँ से ऐसे खोलने के बाद हम इसकी बाहर कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अंदर हमें ये माइक्रोफोन मिलता है और ये वारंटी कार्ड मिलता है और बोया का माइक्रोफोन का बुक मैनुअल मिलता है। तो इसको हम अभी किनारे रख देते हैं दोस्तों। तो हम इसके माइक्रोफोन को देखेंगे ये कैसा है, में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। ये है अपना माइक्रोफोन दोस्तों, इसके साथ हमें ये जैक मिल रहा है। और ये फोन है और बैटरी भी है इसके साथ एक। चलिए अभी दोस्तों इसको हम असेंबल कर लेते हैं। दोस्तों यह माइक्रोफोन को यूज़ करना ही बहुत ही आसान है। दोस्तों इस माइक्रोफोन को हम स्मार्टफोन, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, कैमकॉर्डर, PC इत्यादि जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑडियो आपको देगा। दोस्तों इस माइक्रोफोन की तार की लंबाई 6 मीटर होती है। यह माइक्रोफोन 3.5 mm जैक के साथ आता है। इसमें LR44 बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैंने इसको अपने शर्ट में क्लिप कर लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पास ये क्लिप हो गया है और इससे जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मेरे माइक्रोफोन से हो रही है। तो दोस्तों बताइए कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है। आपको पहले से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, जो पहले आवाज़ थी वो अब आवाज़ में क्या अंतर है आप देखकर सुनकर जान पा रहे होंगे। दोस्तों इसमें बैकग्राउंड में TV चल रही है, तो आप दोस्तों इसके नॉइस कैंसिलेशन को भी सुन पा रहे होंगे। तो अभी इस समय TV भी चल रही है और मैं इस माइक्रोफोन को भी यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसके अंतर को समझ पा रहे होंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं बिना माइक्रोफोन के इसकी रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ और आप इसके डिफरेंस को बताइएगा कि क्या ये कुछ अलग है इससे कि नहीं। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड में TV चल रही है और मैं इस माइक्रोफोन को अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो दोस्तों आप सुन पा रहे होंगे कि ये कुछ अलग है इससे कि नहीं, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। बैकग्राउंड में TV चल रही है और कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर ये माइक्रोफोन आपको बोया का BYM1 चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और मैं इसी तरह आपको नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो आप